Welcome everyone. So in this video, we will solve the CSN NET November 2020 paper. So this paper was scheduled to be held on June 2020, but due to some circumstances, due to COVID-19, it was held on November 2020. On 19 November, this examination was held. So we will discuss the part A questions, that is the general aptitude questions hum discuss karenge, that is of 2 marks each. So some of the questions, so this questions abhi question paper release kyunki nahi hua hai, to ye questions thode different ho sakte hain, inki language thodi different ho sakti hai. Ye mere ko kisi student ne mere ko bheje the, so these are the questions, so isme thodi mistake bhi ho sakti hai, these are not exactly that, so more or less same honge kyunki options bhi hain, to more or less ye same क्वेश्चन होंगे. सो जब फाइनल क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, सो मैं जब भी कंफर्म करके आपको बता दूंगा फाइनल आंसर्स क्या हैं. सो लेट डिस्कस. सो अगर आपके पास फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और या फिर जनरल एप्टीट्यूड के और भी क्वेश्चंस हैं इसके अलावा, सो आप मेरे को या तो फिजिक्स का ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हैं. ओके, सो सेंड देयर. सो नाउ वी विल डिस्कस द जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन था, so first question was this one, the scores of 6 students of group A in the examination are, so 6 students ke scores de rakhe hain group A mein, so group A mein 6 students hain jinke scores de rakhe hain, these are 38, 45, 42, 58, 62 and 55. In the same examination, scores of 6 students of group B. So, ek dusra group hai, group B, same examination mein. And inka jo size hai, wo hai 7. So, 7 students hai isme. So, 7 students ke scores de rakhe hai. So, ye 38, 41, 44, ye main likh nahi raha. So, yahan pe likh rakhe hai. Where one score is missing. So, ek score isme nahi hai. So, usko hum kya karenge? उसको हम x ले लेंगे जो स्कोर मिसिंग है. इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सेम, सो दोनों ग्रुप्स का जो अर्थमेटिक मीन वो सेम है, देन व्हाट इज द मिसिंग स्कोर. सो हमें मिसिंग स्कोर ही बताना है, इसलिए मैंने पहले ही मिसिंग स्कोर को x ले लिया, क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है. सो कुछ भी अगर मिसिंग है आप उसको x ले लो. सो सिंस अर्थमेटिक मीन हमें दे रखा है कि दोनों का सेम है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? Arithmetic mean is simply the sum of all the possibilities या all the जो scores हैं हमारे सबके scores x1, x2, x3, xn तक, और उसको हम divide कर देते हैं total number of outcomes से. जैसे यहाँ पे n है, so अगर n scores हैं या फिर n outcomes हैं, सबको add करेंगे और divide कर देंगे n से जितने times वो है. सो ऐसे कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन. सो सिंस अर्थमेटिक मीन दोनों ग्रुप्स का सेम दे रखा है, सो मतलब अर्थमेटिक मीन या फिर आप एवरेज भी कह सकते हैं इसे, हम एवरेज भी बोलते थे इसे, सो एवरेज स्कोर ले सकते हैं. सो इट इज़ द सेम थिंग. सो अर्थमेटिक मीन दोनों ग्रुप्स का सेम दे रखा है, मतलब इनका जब ऐड करेंगे 38 प्लस 45 प्लस 42 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 55 एंड डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा या फिर एवरेज कैसे आएगा, दिस सबको ऐड करा एंड डिवाइड कर दिया 6 से, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स थे ग्रुप ए में, एंड दिस इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप बी. सो ग्रुप बी के अर्थमेटिक मीन के इक्वल है. सो ग्रुप बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इनके सारे स्कोर्स जो दे रखे थे क्वेश्चन में दे रखे थे 38 41 44 46, 49, 52 एंड जो लास्ट है वो हमने x एक्ज्यूम कर लिया था. एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7. सो 7 से डिवाइड करेंगे. सो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. नाउ बस सिंपली इसे सोल्व करना है. सो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 एंड डिवाइड में है 6. सो ये हो जाएगा 300 बाई 6 होता है सिंपली 50 एंड दैट इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 270 प्लस एक्स बाय 7 है. सो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 270 प्लस एक्स. सो एक्स यहाँ पे आ जाएगा
350 माइनस 270 एंड x हमारे पास आ गया, डैट विल बी 80. सो x हमारे पास आ गया 80. सो मिसिंग स्टूडेंट के जो स्कोर है वो है 80. सो इन ऑप्शंस में से ए ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शंस थोड़े उसमें रैंडम हो सकते हैं. सो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस लिख रखे हैं उसमें से 80 इज द करेक्ट. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, 7 पर्संस ए बी सी डी ई एफ एंड जी. सो ये 7 पर्संस हैं. दीज आर सिटिंग इन अ रो. E and B are sitting adjacent to each other. So, हमारे पास ये conditions दे रखी हैं काफ़ी सारी. So, इन conditions को use करेंगे. हमारे पास सबसे पहले दे रखा है, E and B are sitting adjacent to each other. So, हम E और B को एक साथ put कर देते हैं. E and B adjacent है, एक साथ है. But, इनकी जो position है वो change हो सकती है. ठीक है, adjacent का मतलब यही है कि ये एक साथ है, इनके बीच में कोई नहीं है. सो मतलब बी पहले भी हो सकता है, बी बाद में भी हो सकता है, बस हमें ये याद रखना है. सो ये दोनों एडजेसेंट हैं. नाउ नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी. सो एफ जो है, मैं एफ को यहाँ पे रख देता हूँ. सो एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी. डी और जी के बीच में एफ है. ठीक है, ये दोनों, इनके बीच में सिर्फ एक एफ है. सो एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी. सो और इन दोनों की पोजीशन भी चेंज हो सकती है. ठीक है, दिस कैन इंटरचेंज, क्योंकि एफ बीच में ही है एंड ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे जी इधर आ सकता है, डी इधर आ सकता है. एंड नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है, इफ सी इज सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एफ. सो सी जो है वो 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ एफ है. अगर मैं इसको इसी रो में ले लूँ, ऐसे ही बैठे हुए हैं ये. सो सी इज सिटिंग 4 प्लेसेस एफ लेफ्ट ऑफ एफ. सो लेफ्ट में जाएंगे. सो एफ यहाँ पे है. सो फर्स्ट प्लेस एफ का यहाँ पे होगा, फर्स्ट प्लेस लेंगे. सो सेकंड प्लेस यहाँ होगा, थर्ड प्लेस यहाँ होगा. सो फोर्थ प्लेस पे है. सो सी, लेट्स से यहाँ पे सी है. ठीक है, फोर्थ प्लेस पे है. एंड देन पूछा है, देन हु अमंग द फॉलोइंग कांट बी सिटिंग एट द सेंटर. सो सेंटर पे कौन नहीं हो सकता. नाउ हमें 7 पर्संस दे रखे थे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी. नाउ इसमें ए मिसिंग है, तो ए या तो यहाँ पे भी हो सकता है एंड ए यहाँ पे भी हो सकता है. सो ए कहीं पे भी हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो एज्यूम करते हैं, फर्स्ट एज्यूम करते हैं. फर्स्ट केस में क्या लेते हैं कि ए यहाँ पे है. ठीक है, ए एक्सट्रीम लेफ्ट में है. सो ए अगर यहाँ पे होगा, सो हमारे पास जो ये बन गया, तो इसमें जो मिडल पॉइंट है ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, सो फोर्थ वन बीच का होगा. सो बी हो जाएगा मिडल में. सो बी मिडल में आ गया. ठीक है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी सिटिंग एट द सेंटर. सो हमें बताना है कौन सा नहीं होगा. सो बी तो हो सकता है सेंटर में, सो बी तो नहीं होगा. सो नेक्स्ट केस देखते हैं, जब ए इस पोजीशन पे आ जाएगा. अब ए इस पोजीशन पे नहीं है, अब ए इस पोजीशन पे है. सो अगर इस पोजीशन पे होगा, सो यहाँ पे होगा, तो नंबरिंग चेंज हो जाएगी. नौ नंबरिंग कैसी रहेगी, अब मैं नंबरिंग दोबारा लिख देता हूँ. नंबरिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड ये 7. एंड फोर्थ वाला बीच में रहेगा, 7 में फोर्थ वाला बीच में होता है. सो डी अब बीच में. नाउ अब डी बीच में है. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब ये बी और डी तो नहीं हो सकते इनमें से. ठीक है, नाउ अब एफ और जी में से देखेंगे. एंड एफ यहाँ पे है. नाउ अब क्या है कि ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं, डी और जी. नाउ अगर डी और जी को हम इंटरचेंज कर दें, जी इधर आ जाए, डी इधर चला जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे जी आ गया, यहाँ पे डी आ गया. नाउ और ए यहीं पे रहेगा. सो मिडल में क्या हो जाएगा, डी की जगह जी आ जाएगा. सो मिडल में थर्ड केस में जी आ गया मिडल में. ठीक है, सो ये तीन केसेस में, ये तीन मिडल में आ सकते हैं. बट द ओनली वन डैट कांट बी सिटिंग एट द सेंटर इज एफ. एफ कभी भी कोई भी केस लेंगे तो एफ मिडल में कभी भी नहीं आ सकता. ठीक है, एफ कभी भी सेंटर में नहीं हो पाएगा फोर्थ पोजीशन पे. सो यही इसका आंसर हो जाएगा, कांट बी सिटिंग एट द सेंटर इज एफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये दे रखा था एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो इस शेडेड रीजन का ये जो ट्रायंगल दे रखा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो देखने से लग रहा है, मेरे को पता नहीं एग्जाम में कैसे दे रखा था, बट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है. सो इसका जो एरिया है वो दे रखा था हमें 64. सो एरिया इज, सो एरिया इसका 64 दे रखा है एंड पी क्यू हमारे पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर. सो ये जो पी क्यू है ये हमारे पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर. नाउ हमें बताना है द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल. सो एरिया, ये जो क्वार्टर सर्कल है, दिस इज द क्वार्टर सर्कल. सो ये एक सर्कल का क्वार्ट पोर्शन दे रखा है. सो इसका एरिया हमें बताना है. सो सिंस ये क्वार्टर है सर्कल का एरिया, सो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये क्वार्टर है एंड सर्कल का जो बीच का होता है डैट विल बी 360 डिग्री. सो अगर उसे चार पीसेस में डिवाइड कर देंगे सो ये बच जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा. ओके एंड ये जो ट्रायंगल है, दिस लुक्स लाइक ए लाइट राइट एंगल ट्रायंगल. सो ये 90 डिग्री है, ठीक है. एंड इस ट्रायंगल का हमें एरिया दे रखा है. सो हम एरिया से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड पी क्यू हमें दे रखा है एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है सो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड या बेस इनटू हाइट, और ये हमें दे रखी है 24. एंड बेस या फिर ये हाइट कुछ भी ले सकते हैं इसे, तो जो भी है इसको एक चीज़ हमें बी या एच में से एक सिक्स दे रखी है एंड पी एस हमें पता नहीं है. सो पी एस के लेंथ हमें पता चल जाएगी यहाँ से. सो पी एस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा एंड ये डिवाइड होके हो जाएगा, पी एस विल बी 8 सेंटीमीटर. सो पी एस हमें पता चल गया ये है 8 सेंटीमीटर के इक्वल. नाउ ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है एरिया. सो एरिया कैसे निकालेंगे, सो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा. अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, या तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इस भी ट्रायंगल का एरिया निकालें, ये भी एरिया निकालें, सबका ऐड करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल यूज़ कर सकते हैं. सो सर्कल का एरिया या फिर इस क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, डैट विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है. एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या हो जाएगा, डैट विल बी पाई आर स्क्वायर, जो पूरे सर्कल का होता है और इसका ये फोर्थ पार्ट है, सो पाई आर स्क्वायर बाय 4. नाउ हमें रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस या तो ये है बी आर या फिर ए आर, ये कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे जो जो हमें चीज़ें दे रखी हैं. तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो डायगनल है, दिस डायगनल, दिस विल ऑल्सो बी रेडियस, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी पॉइंट ये जो सर्कल के पेरीमीटर पे टच कर रहा है वो सारा रेडियस होगा. सो ये डायगनल भी पेरीमीटर होगा. सो हम पी आर कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा एंड अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये एक जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री है. सो सिंस ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है कुछ, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी. सो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. सो उससे क्या कर सकते हैं, हम ये डायगनल की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दिस इज सिंपली 90 डिग्री. सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है. सो पी आर हो जाएगा, पी आर विल बी अंडर रूट पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर एंड दैट विल बी अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो पी आर आ जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 36, डैट विल बी अंडर रूट 100 और पी आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. सो हमारे पास जो पी आर की लेंथ आ गई, इस डायगनल की लेंथ आ गई, डैट विल बी 10 सेंटीमीटर. एंड ये जो 10 सेंटीमीटर है ये है हमारा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. हमें रेडियस ऑफ सर्कल पता चल गया. नाउ हमें सिंपली एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल निकालना है. अब अगर हमें रेडियस पता है हमें 10 सेंटीमीटर है, सो 10 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और ये 100 बाय 4 क्या हो जाएगा, 25. सो ये आ जाएगा 25 पाई. दिस इज द आंसर. सो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है. ओके सो इसमें ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ये ए बी सी डी, बट आंसर 25 है, 25 पाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन. अ कपल लिव्स इन अ हाउस विद देयर सन्स एंड डॉटर्स. सो एक कपल अपने हाउस में सन्स एंड डॉटर्स के साथ रह रहा है अपने, एंड नो वन एल्स, और कोई नहीं है.
द कपल हैज़ फोर सन्स. सो इन कपल के, सो कपल में एक तो हस्बैंड एंड वाइफ, तो इन दोनों के फोर सन्स हैं. दीज हैव फोर सन्स एंड ईच ऑफ द सन्स हैज़ एक्जैक्टली टू सिस्टर्स. सो हर एक सन के, अगर यहाँ पे मैं सन का लिख दूँ, एस वन एस टू, इनको नाम दे दिया मैंने, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर. सो सबके जो हैं दो दो सिस्टर्स हैं. सो ईच वन ऑफ देम हैज़ टू सिस्टर्स. देन हाउ मैनी पर्सन्स लिव इन डैट हाउस. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं कितने रह रहे हैं उस हाउस में. नाउ टू सिस्टर्स, सबके टू टू सिस्टर्स हैं. सिंस ये सारे मतलब सन्स ही हैं इसके, सो सबकी सिस्टर सेम ही होगी. सो मतलब दो ही सिस्टर हैं एग्जैक्टली. सो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखी है स्टेटमेंट. सो मतलब हर एक सन की जैसे टू सिस्टर्स दे रखी है, मतलब ओनली टू सिस्टर्स आर देयर. सो सिंस, ठीक है, दीज आर, सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, एक तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, डैट विल बी टू, एंड फोर सन्स हमें दे रखे हैं. सो दीज फोर आर द सन्स. एंड सिस्टर्स कितनी है, ओनली टू सिस्टर्स आर देयर. सो सबकी सेम ही सिस्टर होंगी, क्योंकि एक ही हस्बैंड वाइफ के सन्स एंड डॉटर हैं. सो उनकी दो ही सिस्टर्स हैं. सो टू प्लस फोर प्लस टू, डैट विल बी एट. सो इसका आंसर हो जाएगा एट. सो ओनली एट पर्सन्स आर लिविंग इन दैट हाउस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वन. अ वायर इज बेंट इन टू द शेप ऑफ अ स्क्वेयर एनक्लोजिंग एन एरिया एम. सो एक वायर है जिसको हमने बेंट कर दिया इन द शेप ऑफ अ स्क्वेयर. सो मैं यहाँ पे वायर बना देता हूँ. इसको हमने बेंट कर दिया इन द शेप ऑफ अ स्क्वेयर. सो ये स्क्वेयर की फॉर्म में हमने बेंट कर दिया. एंड दिस इज एनक्लोजिंग एन एरिया ऑफ एम. एम एरिया एनक्लोज कर रहा है. इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म, सो इस सेम वायर को हमने बेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, देन द एरिया एनक्लोज्ड विल बी. सो इसका सर्कल का एरिया बताना है. नो सर्कल का एरिया के लिए हमें इसकी रेडियस चाहिए होगी, ठीक है, मेन थिंग. अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो हमें रेडियस चाहिए होगी. रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं इस सर्कल की अगर हमें लेंथ पता है, क्योंकि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है और सर्कमफ्रेंस होती है, पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस, वो होती है 2πr. अगर हमें ये पता चल जाए तो हम रेडियस निकाल सकते हैं. सो कैसे करेंगे, हमें सर्कल स्क्वायर का एरिया दे रखा है m. नाउ सॉरी स्क्वायर का हमें एरिया दे रखा है m. एंड लेट्स एज्यूम इस स्क्वायर की जो साइड है वो x है. सो सारी साइड्स x के इक्वल होंगी. सो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सिंपली x square. एंड स्क्वेयर का एरिया क्या होता है, सिंपली साइड का स्क्वेयर, डैट इज एक्स स्क्वेयर, और वो हमें एम दे रखा है. सो यहाँ से हमारे पास साइड की लेंथ आ जाएगी. साइड की लेंथ आ गई अंडर रूट एम. एंड यहाँ से हम पूरी जो स्क्वेयर का जो पेरीमीटर है, पूरी जो लेंथ ऑफ द वायर है, वो हम निकाल सकते हैं. सो लेंथ ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वेयर. एंड वो क्या हो जाएगा, सिंपली फोर टाइम्स द साइड्स. सो फोर टाइम्स एक्स, ठीक है, एक्स प्लस एक्स करेंगे. सो फोर एक्स हो जाएगा. एंड ये क्या हो जाएगा, फोर इंटू अंडर रूट एक्स. हमें पता है हमने निकाल लिया था, एक्स हमने निकाला था, साइड ऑफ द लेंथ इज अंडर रूट एम. सो फोर अंडर रूट एम आ जाएगा पैरामीटर ऑफ द स्क्वेयर. सो दिस पैरामीटर ऑफ द स्क्वेयर, क्योंकि हमने इसी वायर को एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, सो इसका भी जो पेरीमीटर है या फिर सर्कमफ्रेंस है, वो इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सेम ही लेंथ की स्क्वायर को, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर रिमेन सेम, इसी वायर को हमने इसी सर्कल में मॉडिफाई कर दिया है. सो लेंथ ऑफ द वायर हमें पता है 4m है. सो इसका जो सर्कल का जो पेरीमीटर हो जाएगा, या फिर सर्कल का सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सी वुड बी इक्वल टू, ये होती है 2πr. एंड ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एम, विच इज़ द लेंथ ऑफ द वायर. सो यहाँ से हमारे पास रेडियस निकल जाएगा, इट इज़ 4 अंडर रूट एम बाय 2π. एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा. सो 2 अंडर रूट एम बाय पाई. एंड नाउ हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल. सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, सिंपली पाई आर स्क्वेयर. सो पाई
इंटू आर स्क्वायर करेंगे, सो 4m बाय पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा एंड बच क्या जाएगा 4m बाय पाई। सो सिंपली 4m बाय पाई हमारे पास आ गया। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज 4m बाय पाई। सो इजी क्वेश्चंस थे काफ़ी जनरल एप्टीट्यूड के। सो ये 5 क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर दिए। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं सो आप प्लीज़ या तो कमेंट में लिख दीजिए या फिर हम मैं डिस्क्रिप्शन में फिजिका ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डाल दूंगा। सो आप वहाँ पे भी एक कॉपी पेन पे लिख के या फिर कहीं पे लिख के सेंड कर दीजिए उस ग्रुप पे, मैं देखूँगा। अगर वो क्वेश्चन सही है, अगर बच्चे कहते हैं कि सेम क्वेश्चन आया था, तो मैं उसे सोल्व करके यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। फिजिक्स का हो या फिर जनरल एप्टीट्यूड का, आप सारे क्वेश्चन वहाँ पर डाल सकते हैं, ओके। सो ये क्वेश्चंस कुछ मेरे को मिले थे, सो इसके बाद मैं बाकी क्वेश्चंस देखूंगा, बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा फिजिक्स के एंड जनरल एप्टीट्यूड के, सो पार्ट बी एंड पार्ट सी के।